राहुल गांधी कहीं दिख रहे हैं? राहुल गांधी को अपना होश नहीं है। इसी जमाने में भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो आज अपने लिए सहारे ढूंढते फिर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप। महागठबंधन हुआ है किस लिए? इसीलिए हुआ है कि मोदी जी को हराने के लिए। इतना कॉन्फिडेंस? समर्थक हैं जी, हमारे जैसे लाखों हैं। अब जो ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई, इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब की बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। राहुल गांधी जी के अंदर खुद अभी इतने काबिल नहीं हुए हैं कि वो मोदी जी की जगह ले पाए। राहुल गांधी? ना, राहुल गांधी अभी कहाँ जी, क्यों 34 तक इंतजार करें। मोदी हैं। अच्छा। हाँ, सीटें कम होंगी इस बार, सीटें कम हो जाएंगी। अच्छा, सीटें कम होंगी। सीटें कम हो रही हैं, फर्क तो पड़ा। सीटें क्यों कम हो रही हैं? नहीं, सीटें तो कम हो रही हैं जी। क्यों? ये जो महामिलावट होगी ना, महामिलावट, मायावती कहती थी चौड़ो गुंडों की छाती पे बोर्ड लगाओ हाथी पे, आज वो गुंडों के साथ है। आपके पीछे तो बीडीपी जा रही है, स्वच्छता कहाँ है? गंगा का घाट है, धुआं दिए जा रहे हैं। अरे भाई, ये छोड़ देना चाहिए, जाहिर में सब जगह पे मना कर दिया। बाबा जी के काम से खुश हैं? हाँ, बाबा जी के काम से भी खुश हैं। बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन सीट उनकी ज्यादा से ज्यादा रहेगी। एग्जिट पोल में कभी कभी ऐसे कुछ नहीं है कि जो है हर बात सच्ची होती है। राफेल के बारे में हम ज्यादा, हमारी को जानकारी नहीं है सर। मोदी सरकार आए, भ्रष्टाचार तो जरूर कुछ रुका। नोटबंदी से आपको नुकसान हुआ? फायदा भी कोई नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ हमारे को। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। कौन आ रहा 2019 में? मोदी। क्यों? मोदी देखो आप, कितना विकास करा है, कितना कुछ करा है मोदी ने। ये तो गंगा है, अविरल धारा है, ये तो बहती रहेगी, अजर अमर है ये तो। हमारे लिए तो गंगा मार बात, मोदी जी ने ऐसे काम करे हैं जिसकी हर आदमी को वो नहीं है। कोई जो विरोधी है उनका वो करते हैं। तो राहुल गांधी कहीं दिख रहे हैं? राहुल गांधी को अपना होश नहीं है। राहुल गांधी क्या करेंगे? क्यों होश क्यों नहीं है? वो तो कह देता है मंच पे खड़े होकर। किसी जमाने में भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो आज अपने लिए सहारे ढूंढते फिर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? बताइए, क्या उम्मीद करोगे आप उनसे? महागठबंधन, ये महागठबंधन हुआ है किस लिए? इसीलिए हुआ है कि मोदी जी को हराने के लिए। मोदी जी ने काम ही ऐसे करे, अगर काम ऐसे नहीं करते तो गठबंधन की जरूरत ही क्या होती है? एक तरफा हार जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, अब की बार मोदी सरकार। इतना कॉन्फिडेंस? समर्थक हैं जी, हमारे जैसे लाखों हैं, जितने घाट पे हैं आप 99% मोदी का समर्थन करते हैं। तो कितनी सीटें आ रही हैं आपकी बार? ये तो नहीं कह सकते। अब जो ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई, इससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब की बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक से लोगों में जो दिखा था जज्बा, वो पूरा हुआ है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हमारा भी, मैं भी थोड़ा सा इसके विरोध में था कि कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। इतना बढ़िया कदम उठाया है कि जिसका हम स्वागत करते हैं। आने वाले समय में और मोदी जी का तो समर्थन है, जब तक रहेंगे मोदी जी का समर्थन करेंगे। इससे और मजबूत हुआ है हमारा आत्मविश्वास, बढ़ा है कि मोदी की सरकार द्वारा आएगी। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो क्या एयर स्ट्राइक हो पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जज्बा होना चाहिए राहुल गांधी जी के अंदर, खुद अभी इतने काबिल नहीं हुए हैं कि वो मोदी जी की जगह ले पाए। अच्छा, नहीं, जगह तो क्या है, जाकर के सदन में झप्पी तो ले ही सकते हैं। हाँ, ये तो है, थोड़ा सा मिमिक्री कर सकते हैं और क्या। मोदी जी की जो स्थान, अभी इस लायक कोई नहीं है जो मोदी जी का स्थान ले लें। अच्छा। मोदी जी हमारे भारतवर्ष के इस समय सबसे बढ़िया नेता है, राहुल गांधी की कोई वो नहीं। क्या कहते हो जी? क्या नाम है आपका? गिरीश चंद तिवारी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो यहीं का ही हूँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड से है जी? जी। 2019 में क्या देख रहे हैं? मोदी देख रहे हैं जी। ये तो वो वाली बात हो गई। अभी बनारस में मोदी जी गए थे, उन्होंने माथे पर चंदन लगाया, टीका लगाया, वही आपका रूप है? मोदी ऐसा देखो, ना मोदी ने ना राहुल गांधी ने, पर बाकी आना मोदी नहीं है। अच्छा, आना मोदी नहीं है? बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है। अच्छा, राहुल गांधी? ना, राहुल गांधी अभी कहाँ जी, क्यों 34 तक इंतजार करें? 34 तक इंतजार करें जी, फिर तो युवा की जगह बुड्ढे हो जाएंगे। हाँ, लगे ही रहा है, चांस यही है। तो 34 तक मोदी हैं। अच्छा। हाँ, सीटें कम होंगी इस बार, सीटें कम हो जाएंगी। अच्छा, सीटें कम होंगी? सीटें कम हो रही हैं। अच्छा, क्यों, यूपी का मामला है ना ये? हाँ, सीटें कम हो रही है, बाकी आना मोदी नहीं है। तो एयर स्ट्राइक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा सीटों पर? एयर स्ट्राइक का भी फर्क पड़ रहा, क्यों नहीं फर्क तो पड़ रहा। सीटें क्यों कम हो रही है? नहीं, सीटें तो कम हो रही हैं जी। क्यों? ये जो महामिलावट होगी ना, महामिलावट,
अच्छा मिलावट, हाँ, गठबंधन की जगह मिलावट, आप भी हाँ, मोदी जी वाली भाषा। हाँ फिर मिलावट ही है और क्या, मिलावट ही। हाँ हम पहले तो मायावती कहती थी चौड़ो गुंडों की छाती पे बोर्ड लगाओ हाथी पे, आज वो गुंडों के साथ है, समझिए ही है। तो अब कहाँ लगेगी वोट? अब देखो अब उनका, हमारा तो खैर हमारा तो मोदी है, हम तो मोदी को ही मानते हैं जी, और सही है। नहीं जो उन्होंने नारा दिया था तो अब की बार कौन सा नारा हो सकता है, वो नारा सक्सेस होगा? गुंडों का नारा है। अच्छा। अब देखो हाँ महामिलावट। अब तो फिर साथ तो ऐसी पार्टी के साथ चली गए। नहीं नहीं हम तो देखो जी हम तो जनसंघी है और बाकी बीजेपी को ही वोट देंगे। अब बाकी 34 तक मोदी ही है। अच्छा 34 तक तो मंदिर, राम मंदिर तो बना नहीं रहे वो राम मंदिर मामला, वो मामला भी छोड़ो, पर है मोदी ही 34 तक, सन 34 तक, मतलब बिल्कुल काम करे ना करे मोदी ही। नहीं नहीं काम क्यों नहीं कर रहे, काम तो कर ही रहे हमारा। अच्छा, हाँ काम तो, मंदिर तो नहीं बनाया। अब मंदिर वाली बात इसमें 19 में जीतने की उम्मीद लग रही है, मंदिर बनेगा? मंदिर भी बनेगा, बनेगा बनेगा बिल्कुल बनेगा। अच्छा बिल्कुल बनेगा जी, बनेगा। अच्छा हाँ जी, भरोसा है, भरोसा पक्का विश्वास है 100%। मोदी है तो आस है, बस बस मोदी है तो आस है। क्या नाम है आपका? हमारा श्यामदेव यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं यूपी से, बस्ती जिले के। बस्ती जिले जी, गोरखपुर साइड। हाँ, गोरखपुर बाबा जी का किनारा। हाँ, हाँ बाबा जी के। तो बाबा जी के काम से खुश हैं? हाँ, बाबा जी के काम से भी खुश हैं। बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बहुत लोग नाराज हो गए हैं कुछ? देखिए सर, घर परिवार जहाँ होता है तो घर में एक मालिक होता है, उससे सब परिवार खुश नहीं रहते हैं। हाँ। उसमें एक दो नहीं भी खुश रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये है, देश के हमारे यूपी के स्टेट के वह राजा हैं, तो उनसे ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई खुश रहे। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को महासचिव बना करके उत्तर प्रदेश में उतार दिया है, और कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि उनके अंदर जो छवि दिखती है वो इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, क्या लगता है आपको टक्कर दे रही है कहीं? जी देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी तो पाकिस्तान का भी माहौल बहुत ऐसा चल रहा है खराब, तो अभी कुछ इस टाइम नहीं कहा जा सकता है कि प्रियंका की जो है छवि इतनी अच्छी है, क्योंकि अभी जनता के बीच में कब आई वो, उन्होंने अपनी ऐसी छवि क्या दिखे, कभी करके अगर चली गई होती तब तो हम मानते इस चीज़ को, लेकिन अभी की नहीं है। हाँ। आई है, मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अभी की नहीं है। तो किसको ला रहे हो 2019 में? 2019 को आपको बता रहा हूँ सर कि जो है मोदी जी को हमारा। कितनी सीटें आ रही हैं? सीट जी अब ये तो अभी नहीं हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन सीट उनकी ज्यादा से ज्यादा रहेगी। हाँ। तो पूर्ण बहुमत को नहीं कह सकते हैं कि उनका पूर्ण बहुमत आएगा, लेकिन सीट ज्यादा रहेगी। अच्छा सीट ज्यादा रहेगी, पूर्ण बहुमत नहीं आएगा? पूर्ण बहुमत का नहीं। लोग तो कह रहे हैं 400 प्लस आ रही है सर, हो सकता है लोग कहते हो, लेकिन हमारा जो विचार है कि सीट ज्यादा। एक बार दिल्ली भी साफ कर दिया है जो पोल आया है उसने। देखिए जी कहने को तो कोई अपने सामान को या कोई चीज़ खराब को थोड़ी कोई कहता है, या कोई नेतागिरी कहता है वो थोड़ी कहते हैं कि हम खराब हैं या हमारा आएंगे नहीं। हर नेता तो यही बात कहते हैं कि हमारी ही पूरी आ रही, पूरी आ रही। पीछे भी कई लोग जो है, एग्जिट पोल आया है उसमें दिखाया जा रहा है कि दिल्ली साफ है, बाकी 400 पार है जी। एग्जिट पोल में कभी कभी ऐसे कुछ नहीं है कि जो है हर बात सच्ची होती है कभी। और राहुल गांधी राफेल कर रहे हैं, कुछ लगता है राफेल में कुछ झोल झाल होगा? राफेल के बारे में हम ज्यादा, हमारे को जानकारी नहीं है सर। अच्छा कह रहे हैं चौकीदार चोर है, बस वही बता रहा हूँ ना सर, एक दूसरे को तो सब वही। और जनता से आवाज आती है चौकीदार प्योर है? नहीं ठीक है सर, मोदी जी जो है अच्छे हैं, और 2019 में चुनाव में भी हमारा यही वो है, मोदी सरकार आई भ्रष्टाचार रुका। मोदी सरकार आए भ्रष्टाचार तो जरूर कुछ रुका, ऐसी नहीं है। नोटबंदी से आपको नुकसान हुआ? नहीं सर कोई नुकसान नहीं। फायदा हुआ? फायदा भी कोई नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ हमारे को। पॉकेट तो खाली हुई होगी? पॉकेट सर क्या खाली है, हम भी लाइन में लगे रहे। हाँ। दो दिन में नहीं मिला, तीसरे दिन में जाके पैसा मिला, फिर भी किसी तरह से 10-20 लेके अपना काम चला रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। मोदी के अलावा क्या नाम है जी आपका? जी मालदेव भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। गुजरात जी हाँ। क्या देख रहे हैं 2019 में?
2019 में क्या देख रहे हो? विकास देख रहे हैं, साफ सफाई देख रहे हैं, स्वच्छता देख रहे हैं सभी लोगों का। आपके पीछे तो बीडीपी जा रही है, स्वच्छता कहाँ है? गंगा का घाट है, धुआं दिए जा रहे हैं। अरे भाई अब ये छोड़ देना चाहिए, जाहिर में सब जगह मना कर दिया है। अब दूसरी चीज देखिए, उठा के फेंक दिया, क्या स्वच्छता है? ये लोगों को समझाना पड़ेगा, लोग नहीं समझते, उसको जागरूक करना पड़ेगा। तो सर कितना और जागरूक करना चाहिए? नहीं अभी अभी जागृति नहीं आई है लोगों में, जो पिछले गांव के विकास होना चाहिए। गांव का विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ सब स्टेट में। हाँ। ठीक है, गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा पूरा। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो देश का भला करेगा वही बनेगा। कौन करेगा भला? कौन करेगा? वो तो जो काम करेगा। आप नहीं, नरेंद्र मोदी। मायावती है, फिर उधर से ममता भी आ रही है, कौन करेगा भला? मोदी बना है, बनेगा, बना रहेगा। अच्छा, बना है, बना रहेगा, बना था, मतलब बहुत लंबे समय तक आपने। हाँ, मोदी ही रहेगा। अच्छा, तो राहुल गांधी भी तो है? राहुल गांधी है, वो अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, वो देश के लिए नहीं आ सकते ऐसे दिखता है। वो सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चलना चाहता है, इसीलिए एक साथ उसी में तो कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान उसी का पहुंचेगा सभी के लिए। तो इधर से ममता भी आ रही है, इधर से बुआ और बबुआ एक साथ हो गए, तो नहीं 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 वो नहीं चल सकेगा, नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? ईमानदारी सरकार चलेगी। ईमानदारी सरकार सभी लोग, छोटे लोगों को साथ में लेकर जो चलेगा वो चलेगा। मेरा तो अनुभव है, जो मोदी जी ने किया है तो सब छोटे छोटे लोगों की परेशानी कम हो गई है, सभी ऑनलाइन कर दिया है। हमें एक छोटा सा दिखाना चाहता हूँ कि पहले हम एक इंडियन का गैस का बाटला लिखवाने जाते तो वो एजेंसी वाले बोलते कि अभी तक आपकी बारी नहीं है, एक महीना पूरा हो जाने के बाद फिर आना। और अब हम 25 दिन में बाटला घर बैठे लिखा सकते हैं, घर आ जाता है, घर आ जाता है फटाफट से। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले, तो समय का परिवर्तन है, ये तो सब कुछ होना चाहिए, होता है समय के हिसाब से। मोदी ने क्या कर दिया? तो समय पहले समय नहीं था, परिवर्तन का समय नहीं था। इतनी साल बीत गई, किसी लोगों को जागरूक नहीं किया, लोगों को पीछे ही रखना चाहती है कांग्रेस। अच्छा, किसी को ये आधुनिक बनाना नहीं चाहती है। अब प्रियंका गांधी भी है तो कुछ फर्क पड़ रहा है उससे? नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका कोई ज्यादा अनुभव ही नहीं है ना। वो तो कह रहे कि इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं दिखता है। अच्छा, उसी का तो कोई अनुभव ज्यादा है ही नहीं, दिखता ही ऐसा है।